नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं गोला टॉप ब्यूरो। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस जो है रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट भी लागू कर दिया गया है। और ऐसा किस लिए क्यों हुआ है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ रहा है कोरोना केसेस जो है। और दिल्ली के अंदर जिस दिन नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, पहली नाइट सोमवार को, 27 दिसंबर सोमवार को जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था, तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उस दिन 331 केसेस थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, 28 दिसंबर को आप देख पा रहे होंगे 496 केसेस हो गए थे। और वहीं वेडनेसडे की, बुधवार की बात करें 29 दिसंबर की, तो 29 दिसंबर को 923 मामले देखने को मिले। करीबन 85% जो है बढ़ोतरी हुई कोरोना केसेस में, करीबन 85% जो है कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हुई थी बुधवार को। और 27 दिसंबर के मुकाबले उसे कंपेयर करा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे में अब लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को घर पर रहने की आवश्यकता है। अगर आपको कहीं बाहर काम नहीं है, कोई आवश्यक ज़रूरी काम नहीं है, तो आप जो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क अवश्य लगाएं। अगर पूरे भारत की हम बात करते हैं, पूरे भारत में आप देख पा रहे होंगे 27 तारीख को करीबन 6358 केसेस थे। और वहीं बात करी जाए 28 तारीख की, तो 28 तारीख को 9195 केसेस थे। और बात करते हैं बुधवार की, तो बुधवार को पूरे इंडिया के अंदर न्यू केसेस जो आए हैं वो 13154 केसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि कुछ समय भी नहीं हुआ और इस टाइम इतनी रफ्तार से जो है कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इस टाइम आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप जब भी, मैं टैक्सी ड्राइवरों से कहना चाहता हूँ कि भाई, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, पहले तो जो है कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, उनका भी पालन करें। जो कि 50% सवारी जो है अलाउ की है, तो 50% एंड 2 पैसेंजर आप बिठा सकते हो टैक्सी के अंदर। जो सेडन होती है, सेडन के अंदर 2 पैसेंजर बिठा सकते हो, मिनी के अंदर भी 2 पैसेंजर बिठा सकते हो, और बाकी जो गाड़ियां हैं सबके अंदर 50% जो पैसेंजर के अलाउ किया गया है। गाड़ी को साफ रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और पैसेंजर को मास्क लगाने के लिए बोलें, और खुद भी मास्क लगा के रहें। कम से कम 3 लेयर वाला जो मास्क आता है, मेडिकल जो मास्क होता है, उसे लगा कर रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपसे बने वो सावधानी आप बरतते रहें, क्योंकि सावधान रहना ही सुरक्षित रहना है। जहाँ तक हो वहाँ तक आप घर रहें। अगर आपको कोई इमरजेंसी बाहर निकल कर काम नहीं है, तो बाहर ना निकलें, और रात को तो बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि रात को नाइट कर्फ्यू है। और ऐसे में आप लोग मान लो कि आप अपनी गाड़ी में 50% के बजाय 100% सवारी बिठाते हो, तो आपका चालान भी किया जाएगा। और जब आपका चालान होगा, तो चालान भी कोई छोटा मोटा चालान नहीं होगा, कितने भी रुपए का चालान हो सकता है, क्योंकि आप एक जो है जो गाइडलाइंस है नाइट कर्फ्यू की और जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आपका चालान कितने रुपए का भी हो सकता है। तो सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करके चलें और सुरक्षित रहें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, पैसेंजर बैठाएं तो गाड़ी को साफ करें, पैसेंजर उतरने के बाद भी गाड़ी को सैनिटाइज करें, और पैसेंजर को मास्क लगाने के लिए बोलें, और खुद भी मास्क लगा के रहें, थोड़े डोर्स डाउन रखें, तो इसके लिए बेटर रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपका कोई और सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।